Have you learned something? धन्यवाद and मैगी। भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से कमल का पुष्प तोड़ा और ब्रह्मा जी को हाथ में दिया कि ब्रह्मा अजमेर से पुष्कर का रास्ता कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। तो गाइस मैगी को मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ तो स्टैचू ऑफ महाराणा प्रताप वो देखो वहां से मुझे देख रही है। चलो वेट 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 चलो बाय। जय महाराणा प्रताप की। कितने सारे बंदर है भाई। One hour later. नहीं। अरे बाप रे आज ये तो आतंक मचा देंगे। मैगी इनके अप्रोच से बहुत ऊपर है तो पहुंच तो वैसे भी नहीं पाएंगे। बट ठीक है बेचारे परेशान हो गए। गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं और मैगी आए हुए हैं पुष्कर के एक प्राचीन मंदिर में। ये ब्रह्मा जी का इकलौता टेंपल है पूरी दुनिया में। ऐसा क्यों है इसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम मैगी के ऑपरेशन के लिए भी पूजा करवाएंगे। हेलो गिव अ हाई फाइव बेबी जानते क्या एक्सेलेंट एक्सेलेंट मतलब भाई थैंक यू And when you start? Before 1.5 months before. Can I take the photo? Why not? You can. By the way, yeah. What? Road trip in Royal Enfield. We love. So where are you from, you guys? Where are you from? France. Oh wow. But we come every winter. Thank you. Many of us. Okay. Have a good way. Thank you. We come every winter. We come here because I'm selling things from Pushkar in a shop in France. So wow. We come every winter with my son, my wife. What that? Ah, no, no. I'm asking you to not to do that. Actually, this is harmful for you. Your health. Thank you, yeah. So, have you learned some Hindi words? I love Hindi. No. I just want to know any Hindi word. Hindi language, Hindi word. Yeah. Have you learned something? Yeah, of course. Can you speak in Hindi? No. Little bit. Huh? Sab kuch milega. And you? Have you learned something? Dhanyavaad. And. Chai chilum chapati. You are fantastic, huh? Oh, you are too. You don't want a chai? You want to share a chai with us? What? Share a chai with us. No, it's okay. Name? Mangi. Mangi. His name too.
Mael Mangi, Pascal Mangi. Oh my god. How old is she? She's 20 years old. I'm just parking my bike over here. Come down. Come. Oh. Of this, huh? Helmet? Yeah. Oh. But me, I have an N instead of this. Mangi. Maggie. Maggie, come. Oh. जी 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 शंकराचार्य जी जी भगवान ब्रह्मा ने बनाया वो जल से वो बनाया जिसके लिए आप आते मंदिर तो आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया मंदिर मूर्ति छाटी दे बनाया पहले सरोवर आते हैं सरोवर का प्रसाद चढ़ाते फिर मंदिर मूर्ति में जाते हैं दर्शन करते ठीक है जी सर आगे मैगी तो यहाँ पे हाथ धुलते हैं हाँ शूज उतार दिए हाँ ठीक है आगे हमारे ये पंडित जी हैं ये हमको हेलमेट वगैरह उतार दो आप कंफर्टेबल रहेगा नहीं नहीं इट्स ओके बताइए उतार दीजिए हाँ भैया आपका नाम क्या है शुभ नाम रजत रजत पूरा नाम रजत पाराशर रजत पाराशर जी अरे पहले तो सबसे पहले तो गले मिलिए या हाथ मिले मैं भी पाराशर हूँ क्या बात है शिवम पाराशर अरे यहाँ पुष्कर का कोई मंदिर नहीं है पुष्कर का कोई मुहूर्त नहीं है इस जल सरोवर का नाम पुष्कर है जैसे अपनी हिंदू संस्कृति में तीन देवता प्रमुख रहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जो विष्णु का धाम है गया जो कि बिहार में है शिव का धाम है काशी जो कि वाराणसी में है और भगवान ब्रह्मा का धाम है पुष्कर जो कि पुष्कर में है पुष्प नाम फूल का कर्ण नाम ब्रह्मा जी के हाथ का तो इस जगह का नाम पुष्कर हुआ अब इस तीर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई क्यों हुई जब भगवान ब्रह्मा का कोई तीर्थ नहीं था भगवान ब्रह्मा को कोई जानता नहीं था जब भगवान ब्रह्मा ने विष्णु भगवान से कहा विष्णु भगवान मुझे भी कोई जाने मेरा भी कोई तीर्थ तो मुझे भी कोई पूजे इस विचार से भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से कमल का पुष्प तोड़ा और ब्रह्मा जी को हाथ में दिया कि ब्रह्मा जी आप इसको संसार मतलब इस पृथ्वी में जा गिराओगे वो आपका उत्तम तीर्थ बनेगा जब भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथ से वो पुष्प गिरा छोड़ा जब वो पुष्प आके उस जगह गिरा किस जगह आपको ये छतरी जल के बीच में जो छतरी दिख रही है ठीक, ठीक। इस जगह आके वो पुष्प गिरा और सप्त पाताल छेदन होके जल निकला जहाँ से यहाँ पे ब्रह्मा जी का उत्तम तीर्थ बना जो अपन कहते हैं कोई भी कार्य शुरू करते हैं अपन नया कारोबार बिजनेस करते हैं दो चीज देखते हैं पहले तो शुभ मुहूर्त देखते हैं दूसरा चीज अपना धर्म पत्नी देखते हैं तो ये जो आपको अरावली शंकरलाल की पहाड़ियाँ दिख रही है क्योंकि राजस्थान को चारों तरफ से घेरी हुई है इन पहाड़ियों में भगवान ब्रह्मा ने 10,000 साल तपस्या करी तत्पश्चात उनको शुभ मुहूर्त मिला जो कि कार्तिक माह के 11 से लेकर पूर्णिमा तक का था जिसमें 5 दिन का भगवान ब्रह्मा ने यह यज्ञ किया जिसमें हमारे यहाँ मेला भरता है जो दीपावली के 10 दिन बाद भरता है पुष्कर मेले के नाम से वो प्रसिद्ध है इसलिए ये भगवान ब्रह्मा का तीर्थ बना ये भगवान ब्रह्मा का पहला पत्नी है सावित्री माता जिसका अपनी माताएं बहने भरत करती है बट सुहाग का वो माँ सावित्री इसलिए माँ सावित्री को यज्ञ में आने में विलंब होता है तो भगवान ब्रह्मा अपनी दूसरी स्त्री मतलब गायत्री माता के साथ यह यज्ञ करते हैं तो उनकी जो पहली पत्नी रहती है सावित्री माता उनको क्रोध आता है और भगवान ब्रह्मा को दो श्राप देती है हे ब्रह्मा तुमने मेरे होते हुए पराई स्त्री दूसरी स्त्री के साथ यज्ञ किया इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ संसार में तेरा एक ही मंदिर होगा वो भी पुष्कर में होगा वो भी शापित होगा और दूसरा श्राप देती है जो भी गृहस्थी वाला आएगा फैमिली वाला आएगा तेरे सरोवर का प्रसाद चढ़ाएगा तेरे सरोवर का मान नहीं करेगा तेरे मंदिर मूर्ति का कोई मान नहीं करेगा इसलिए कहते गंगा जाए गोमती जाए सब तीर्थ करे आए एक धाम पुष्कर नहीं आए नर मुक्ति ना पाए जैसे गंगा सब तीर्थों की माता है प्रयाग सब तीर्थों का राजा है पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है गुरु बिना ज्ञान नहीं गुरु बिना मोक्ष नहीं ये देखिए जो गंगा है अपने हरिद्वार में वो सब तीर्थों की माता है जो प्रयाग है इलाहाबाद वो सब तीर्थों का राजा है जो पुष्कर है पुष्कर में वो सब तीर्थों का गुरु है पुष्प नाम फूल का कर्ण नाम ब्रह्मा जी के हाथ का उसका संस्कृत में चंद्र विस्तृत हुआ तो इस जगह का नाम पुष्कर हुआ मंदिर मूर्ति में इस जगह का नाम पुष्कर नहीं है इस जल सरोवर का पूजा होता है इस जल सरोवर का प्रसाद चढ़ता है मंदिर मूर्ति में फूल प्रसाद नहीं चढ़ता है जिसके लिए आप आए हो ये जल सरोवर है ये जल सरोवर के चारों में आप देख रहे हो ये 52 घाट है राजा महाराजाओं के बनाए हुए पूरे पुष्कर में बनाए हुए राजा महाराजाओं के 52 घाट है और छोटे बड़े मिला के 1,000 मंदिर है 1,000 मंदिर 52 घाट में आपके हाथ से दान दक्षिणा फूल प्रसाद कुछ नहीं होता है जैसा भगवान ने आपको देने लायक बनाया है
बावन घाट का 1000 मंदिर का गवर्नमेंट का चैरिटी संस्था बनाए जैसा आपको देना है, संस्था में देना जैसा भगवान ने आपके घर की कैपेसिटी बनाई है, जैसी आपकी इच्छा हो। पहला भोग लगता है अन्न का भोग, दूसरा मीठा भोग लगता है लड्डू का भोग, तीसरा अपने पितरों के नाम से लगता है खीर भोग, और जो ज्यादा देने वाला आता है वो 56 भोग देते हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा होती है। जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं है। और पुष्कर राज महाराज की जय। गाड़ी खराब हो गई है यार, सब मिलके लगे हुए हैं, अच्छे से बैनर टूट गए पूरे। सेव एनिमल सेव हो गया सब। आ, 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 आ,